सो गाइज, हम लोग सिरिस्का पहुंच गए थे और ये यहाँ पे गवर्नमेंट होटल है जिसका नाम है टाइगर्स टेन करके। ये सिरिस्का के अंदर ही है और जस्ट यहाँ से 100 मीटर की वॉकिंग पर ही एक तो सफारी की टिकट विंडो है विच इज़ ओपन, तो हमने वहाँ से टिकट ले ली है कल के लिए। मतलब हम वहाँ गए थे टिकट लेने आज के लिए, बट जिप्सी फुल हो चुकी थी तो हमने जिप्सी की टिकट नहीं ली है। एंड आई थिंक जिप्सी की टिकट सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है, तो वो हमने कल के लिए ले लिए, कल सुबह के लिए। तो सफारी तो हम कल सुबह करेंगे। एंड इसमें हमने 2 रूम ले लिए हैं। रूम बहुत ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है, बट ये है कि यहाँ पे आसपास और कोई है भी नहीं। कैंप्स बहुत सारे हैं, होटल्स इतने सारे नहीं हैं, तो हमें सिंस होटल में ही रहना था, कैंप्स का इस बार मन नहीं था रुकने का, तो हमने फिर इसी में 2 रूम ले लिए हैं। अच्छे से उनको साफ वाफ करवा लिया है। तो जैसा मैं बता रहा था कि यहाँ से 100 मीटर पर ही टिकट विंडो है एंड 100 मीटर पर ही एक गेट है जहाँ से एंट्री होती है, तो ये फ़ायदा है। एंड इट गिव्स यू फील ऑफ ए जंगल ऑल्सो, जैसा कि बहुत सारे रिव्यूज़ में लिखा हुआ भी है, आपको पूरे पूरे जंगल का ये फील देता है। और देखिए यहाँ पे बैठने के लिए भी बहुत सारी जगह है, काफ़ी स्पेशियस है, तो सही है, मतलब ओवरऑल सही है। बाकी और एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर करते हैं जैसे इसको यूज़ करेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपना अंदर, खाना वाना खाते हैं। 2:30 बज गया, पहुँच तो हम यहाँ पे 1:15 बजे 1:30 बजे के आसपास पहुँच गए थे। उसके बाद ये देख रहे थे कि पहले सफारी कर लें या क्या करना है, तो टिकट मिली नहीं हमें जिप्सी की। कैंटर की टिकट अवेलेबल है उससे, बट कैंटर हमें जाना नहीं था कैंटर में, तो अब जिप्सी हम कल करेंगे जिप्सी से सफारी। तो गाइज हम लोग बाहर निकले थे खाना वाना खाने के बाद दोबारा से, तो हम यहाँ पे हमें पता नहीं था, पीछे ही ना मंदिर है एक हनुमान जी का, उनकी एंट्री होती है शनिवार और मंगलवार को, वो एंट्री अब कर सकते हो, मंदिर तक जा सकते हो और वहाँ से वापसी आ सकते हो, पर वो 3 बजे तक ही एंट्री होती है। अब हम गए 3:30 बजे, तो हमें अलाउ नहीं किया जाने के लिए अंदर, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। खैर अब हम यहाँ बाहर आ गए, आइसक्रीम खाएंगे मज़े से, आइसक्रीम खाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, अलवर 36 किलोमीटर है, अलवर से आगे है ये बेसिकली, तो यहाँ पे जाके आगे जाके वो गेट पड़ता है इस रास्ते पे, और यहीं इसी रास्ते पे आगे जाके लेफ्ट साइड पे अपना होटल है टाइगर डेन करके। आइसक्रीम खाते हैं अभी। सो गाइज हम ये बेसिकली टाइगर रिजर्व एरिया के अंदर ही घूम रहे थे, तो ये देखो सामने 12 सिंगा है यहाँ पर, और बंदर पीछे रखा नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो हमने सोचा यहाँ पे इनकी वीडियो बना ली जाए और थोड़ा फ़ोटो क्लिक कर ली जाए। देखो अदिति फ़ोटो क्लिक कर रही है, उधर दीपक और पूजा भी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। हम देखो बिल्कुल पास से दिखाते हैं आपको इनको, बारह सिंगा सींग मार देगा भाई। और ये देखिए ये ब्यूटीफुल रास्ता है यहाँ पे बना हुआ, थोड़ा सा मतलब ब्यूटीफुल रास्ता इन द सेंस पेड़ों से कवर्ड है, वैसे बड़ा अच्छा है, बट द थिंग इज दैट कि रास्ता वैसे खराब है। देखो कैसे गड्ढे हो रखे हैं, ये देखो वैसे टूट रहा है पूरा रास्ता। गाइस यहाँ पे हम म्यूजियम में आए हैं, यहाँ पे ये म्यूजियम बना हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पढ़ने के लिए। और आज ना हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारी जो आसपास की चीज़ें हैं वो दूर दूर हैं, और इतनी दूर दूर हैं कि करीबन करीबन 1-1.5 घंटे की दूरी पर है, तो इसलिए जा तो नहीं रहे हैं वो घूमने हम। एक बार किसी ने बोला था कि शायद अभी लास्ट जिप्सी मिल जाए, तो वो ट्राई करने आए थे हम यहाँ दोबारा कि अगर मिल जाए तो आज कर लें, एंड सुबह का जो टाइम बचेगा वो हम किसी और चीज़ के लिए यूटिलाइज़ कर लें, बट ऐसा हुआ नहीं। हमने एक्चुअली सुबह की बुकिंग करा दी है, कह रहे मिल तो जाएगा इस समय खाली है, अब अचानक से कह रहे हैं, तब दोपहर को खाली नहीं था, पर वो सुबह वाली बुकिंग जो है ये उस समय शिफ्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम अब जाएंगे तो हमारे सुबह वाले पैसे बर्बाद हो जाएंगे, तो इसलिए तो फिर हम सुबह ही जाएंगे, अभी तो हम नहीं जा रहे हैं फिर। बाकी ये देखिए कत्ते गजब चीज़ बनी हुई है,
और बाकी इनके बारे में पढ़ते हैं अब थोड़ा सा। सो गाइज अब ये यहाँ पे कैफेटेरिया है टाइगर रिजर्व के अंदर ही, यहाँ हम आ गए हैं और यहाँ हम चाय पीने वाले हैं। ये भैया देखो हमारी चाय छान रहे हैं गर्मा गर्म चाय। बाकी कुछ लोग बाहर भी बैठे हैं, अभी तक तो ठंड नहीं है, धूप निकली हुई है काफ़ी और देखते हैं शाम तक कितनी ठंड बढ़ती है, कह नहीं सकते कितनी बढ़ेगी कितनी नहीं, पर हाँ जगह बड़ी खुशनुमा है यार ये। सो गाइज मैं आपको रूम टूर देता हूँ, हम बेसिकली अपने रूम पे आ गए हैं अभी थोड़ा सा घूम फिर के। तो ये एक रूम है डिसेंट साइज का, बहुत बड़ा नहीं है ये, इसमें कबर्ड है, ये एक और अटैच्ड रूम है, तो ये बेसिकली एक काइंड ऑफ ए स्वीट बन जाता है, ये इसके अंदर वॉशरूम है। पर सिंस हम सिर्फ दो ही जने हैं और हमें एक ही रात के लिए रुकना है तो हमने वो दूसरा रूम लिया नहीं है, तो वो लेते तो और ज़्यादा उसका रेंट बैठता, बट हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी तो हमने फिर वो नहीं लिया है। ये एक बालकनी है इसमें, अब मैं आपको बालकनी ओपन करके दिखाता हूँ, तो देखिए बालकनी अच्छी है, पर मतलब सिंस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे रूम बने हुए हैं तो इतनी साफ सफाई नहीं है, जगह बहुत अच्छी है, देखिए आगे कितना अच्छा व्यू है, सामने पहाड़ भी दिख रहे हैं तो वैसे सही है, पर हाँ वो साफ सफाई वाली बात नहीं है जितनी की होनी चाहिए। पीछे भी आप उस तरह देखेंगे ना रूम के जहाँ से एंट्रेंस है तो अंदर भी इन्होंने बहुत अच्छी लॉबी बना रखी, गार्डन बना रखा है अंदर भी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखोगे ये एंट्रेंस थी और यहाँ पे भी इन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है, ये देखो पूरा पूरा बहुत बढ़िया बना हुआ है, बहुत अच्छा व्यू है इसका, यहाँ भी आप बैठ सकते हो। देखो अदिति टहल रही है, ये देखो फूल तोड़ के लाई है मैडम। तो गाइज यहाँ पे पीकॉक थे तो हम यहाँ आए हैं झाड़ियों में इनको देखने, वो देखो वो रे पीकॉक हल्का अच्छा मूवमेंट से हिल रहे हैं, ये हमारी मूवमेंट की आवाज़ से ना थोड़े थोड़े अंदर जा रहे झाड़ियों में, अब ये अंदर को चले गए हैं, पहले यहाँ से दिख रहे थे। सो गाइज हम अपने अब होटल में रिजॉर्ट में बैठे हैं और झूले का आनंद ले रहे हैं। तो अदिति हाउ वाज द डे टुडे? डे वॉज ओके, बट द प्लेस इनिशियली अच्छी नहीं लग रही थी, पर अब यहाँ आके लग रहा है कि इट्स अ गुड डिसीजन, मतलब ये गवर्नमेंट का है तो मेंटेन थोड़ा कम है, तो इनिशियली लग रहा था, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो लग रहा था कि हमें दूसरी जगह रुकना चाहिए, पर फिर कुछ और समझ नहीं आ रहा था आसपास में, पर अब लग रहा है मतलब यहाँ पे बर्ड्स और मतलब अभी तक तो हमें पिकॉक बहुत नियर विसिनिटी से दिखा है, बहुत सनसेट व्यू भी अच्छा था, मतलब जब तक हमें याद आया कि हमें कैप्चर करना है तब तक ऑलरेडी सन वाज गॉन, बट हाँ हमने एंजॉय किया, यहाँ सामने से ऑलरेडी व्यू आ रहा है सनसेट का, मतलब एक्चुअली सनसेट इस वाले गार्डन में है, जैसे मैंने आपको दिखाया था इसमें दो गार्डन बने हुए हैं तो सनसेट इस वाले गार्डन से दिखता है, बट हम दूसरे गार्डन में ना पिकॉक के चक्कर में भूल गए पिकॉक के चक्कर में इधर तो दौड़ रहे थे उसको क्लिक करने के चक्कर में, तो इतने सनसेट हो गया, बट यहाँ पे यार पर अभी बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिनों बाद झूला झूल के ना स्विंग्स वगैरह यहाँ पे काफी लगे हुए हैं, मतलब इट्स लाइक पीस ऑफ माइंड है यहाँ पर, मतलब जो चीज देखो आपको एक वीकेंड गेटअवे के लिए आए थे, हमने इतना कुछ प्लान नहीं किया था, इट वाज अ सडन प्लान, मतलब एक्चुअली कुछ भी प्लान नहीं किया था, इतना कुछ भी प्लान नहीं किया था, बस इतना था कि ठीक है सर इसका जा रहे और उस हिसाब से पीस ऑफ माइंड है यहाँ पर जिसके लिए हम आए थे ना, मतलब कोजी मौसम है अभी तक तो, ना ज्यादा ठंड है, दिन में थोड़ी सी गर्मी जरूर लग रही थी, गुलाबी ठंड है, गुलाबी ठंड तो वो है, और मतलब वेदर मस्त हो गया, प्लस भैया हरियाली गजब की है यहाँ पे और स्विंग वगैरह मिल गए हैं तो गजब शांति है, मतलब जो कहते हैं ना कि स्विमिंग पूल के किनारे बैठ के मिलती है शांति रिजॉर्ट में, वैसे ही शांति मिल रही है हमें, इसमें स्विमिंग पूल तो नहीं है बट हाँ ये प्रॉपर्टी वैसे अच्छी है, मतलब जब ये बनी होगी ना तब बहुत अच्छी बनी होगी, स्टार्टिंग के कुछ साल बहुत अच्छी रही होगी, ये जस्ट दैट कि इसको मेंटेन नहीं रखा गया है उस तरीके से, तो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं, अदरवाइज जब ये बनी होगी तो उस समय बहुत अच्छी होगी ये, या अगर गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान दे थोड़ा मेंटेनेंस पे पैसा खर्च करे तो फिर से ये बहुत अच्छी हो जाएगी। आई थी बाकी आज का क्या प्लान है यहाँ पे?
अभी डिनर के अभी चाय वाय पीते हैं थोड़ी देर में, फिर उसके बाद डिनर के बाद बॉनफायर है, तो बॉनफायर देखते हैं ठंड कैसी लगती है उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि बॉनफायर में बाहर बैठना है या नहीं बैठना है। चलो विल कीप यू अपडेटेड। सो गाइस वो देखो बिल्कुल पेड़ के टॉप पे बैठा है पीकॉक। सो दोज हू से कि पीकॉक इतना ऊंचा फ्लाई नहीं करता है, करता है भाई, देखने के लिए नजरे चाहिए बस। देखो आप कौन कहता है आपको अमित बहुत बड़ा तो रख दे, मैं पॉइंट मार दूं। बोल दे भाई। सो गाइस देखो ये फोटोग्राफी सेशन चलता हुआ और गजब ही है। देखो यहाँ पे मोर वगैरह फ्लाई करते हुए पेड़ से दूसरे पेड़ पे जा रहे हैं। नॉर्मली बंदर ऐसा करते हैं भाई, पर मोर को ऐसे देखते हुए बड़ा ही मजा आ रहा है। ये देखो ऊपर कितने मोर बैठे हैं, ये देखो अलग ही मजा है भाई, ब्यूटी है भाई ब्यूटी। ये देखो ये एक सेकंड भाई, ये देखो ये गजब है। सो गाइस हमने रात का खाना वाना खा लिया है, वहाँ पे काफी सारे लोग थे तो मैं इसलिए वीडियो ले नहीं पाया, बहुत ज्यादा बड़ी जगह नहीं थी। अभी हम यहाँ पे बॉनफायर का प्लान कर रहे हैं, तो ये बॉनफायर हमने अलग से ही लगवा लिया है और ये भाई ने लगा दिया बॉनफायर। देख सकते हो आप अभी धीरे धीरे आग पकड़ रही है लकड़ियाँ। यार यहाँ तो स्टार गेजिंग अच्छी हो सकती है, पता नहीं कैमरे में तो कैप्चर नहीं हो रहा है गाइस। देखो थोड़े बहुत तो आने शुरू हुए, एक आध तारा आ रहा है अभी, पर अभी नेकेड आइज तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये अपना बॉनफायर तो देख सकते हैं, बॉनफायर अच्छी तरह से लग चुकी है, जल चुकी है। और वो आ रहे हैं हमारे दो लोग, ये बैठी है दीदी, एति से हाय हाय। ये देखो चमक रहे हैं वर्मा जी। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग बॉनफायर में बैठे हुए हैं पिछले ऑलमोस्ट 2 hours, अब अपना ये प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है एंड विल कॉल इट अ डे हियर। काफ़ी इंजॉयबल रहा ये दिन, ट्रैवल करा, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोकल साइट सीइंग करी एंड बॉनफायर करा, शाम को खाली बैठे थे तो तफरी का टिप, खूब सारी बातें करी। ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी गुड डे, वेरी वेरी गुड डे। तो अभी हम आज का लेट्स कॉल इट अ डे और कल हम आपसे दोबारा मिलते हैं। बाय बाय।